हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है, विदाउट गेट है, जिसमें आप लोग को सैलरी 1 लाख पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्यूशन, जो आप लोग देख पा रहे हो कि पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी दमन एंड दीव की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डील्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आप लोग इनिशियली 3 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 3 साल में आप लोग का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग को सैलरी 1 लाख पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ अगर पॉल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 4 इयर्स के एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एनवायरमेंटल या तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में से 2 साल के MEMTech किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट MEMTech वालों के लिए मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स तक रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद उसके साथ आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी। और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम। और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस में मेंशन है आप लोग उसी एड्रेस पे 31 जुलाई 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। अगर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पर नहीं रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था, तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, इसको आप लोग को अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है आप लोग उसी एड्रेस पे 31 जुलाई 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो कुरियर के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्सों से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।